ब्लैक होल का रहस्य बताने वाले स्टीफन हॉकिंग नहीं रहे। बच्चे बोले उनका काम बरसों याद किया जाएगा। ब्रिटिश साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग का बुधवार को 76 साल की उम्र में निधन हो गया। उनकी फैमिली के स्पोक्सपर्सन ने खबर की पुष्टि की। हॉकिंग ने ब्लैक होल और रिलेटिविटी के क्षेत्र में काफ़ी काम किया। उनकी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम दुनिया भर में काफ़ी चर्चित रही थी। उनके बच्चों ने बयान में कहा वो एक महान वैज्ञानिक थे। उनका काम और विरासत बरसों तक हमारे बीच रहेगा। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ आप तक में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सकें। तो आइए जानते हैं हॉकिंग्स के बारे में कुछ और। हॉकिंग के बच्चों लूसी, रॉबर्ट और टिम ने अपने बयान में कहा हमारे प्यारे पिता का दुखद निधन हो गया। वो एक असाधारण शख्स थे। उनका साहस और काबिलियत के साथ उनके दृढ़ रहने की क्षमता दुनिया भर में लोगों को प्रेरणा देती रहेगी। एक बार उन्होंने कहा था कि तब तक ब्रह्मांड बड़ा नहीं हो सकता जब तक ये आपके पसंदीदा लोगों का घर नहीं बन जाता। हम उन्हें मिस करेंगे। 55 साल से मोटर न्यूरॉन बीमारी से पीड़ित थे। जी दोस्तों, हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्ड ब्रिटेन में हुआ था। 1963 में हॉकिंग को मोटर न्यूरॉन बीमारी का पता चला। उस वक्त उनकी उम्र महज 21 साल थी। तब उनके महज 2 साल जिंदा रहने की बात कही गई थी। इसके बाद वे कैम्ब्रिज में पढ़ने चले गए। अल्बर्ट आइंस्टीन के बाद हॉकिंग सबसे काबिल भौतिक विज्ञानी माने जाते थे। हॉकिंग पर 2014 में फिल्म द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग वी बनी। इसमें एडी रेडमैन और फेलिसिटी जोन्स ने प्रमुख भूमिका निभाई। दुनिया को ब्लैक होल का रहस्य समझाया। जी हाँ दोस्तों, 1974 में हॉकिंग ब्लैक होल्स की थ्योरी लेकर आए। इसे ही बाद में हॉकिंग रेडिएशन के नाम से जाना गया। हॉकिंग ने ही ब्लैक होल्स की लीक एनर्जी के बारे में बताया। प्रोफेसर हॉकिंग पहली बार थ्योरी ऑफ कॉस्मोलॉजी लेकर आए। इसे यूनियन ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स भी कहा जाता है। 1988 में उनकी ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बुक पब्लिश हुई। इसकी 1 करोड़ से ज़्यादा कॉपियां बिकी। क्या है मोटर न्यूरॉन बीमारी? मोटर न्यूरॉन बीमारी में ब्रेन के न्यूरो सेल पर असर होता है। 1869 में केरकांट के न्यूरोलॉजिस्ट जॉन मार्टिन ने इस बीमारी का पता लगाया था। बीमारी को MND के नाम से भी जाना जाता है। MND 2 स्टेज में होती है। पहले चरण में ये न्यूरॉन सेल को ख़त्म करती है। दूसरी स्टेज में ब्रेन से शरीर के अन्य अंगों तक सूचना पहुंचना बंद हो जाता है। इस बीमारी में मरीज को खाने, चलने, बोलने और सांस लेने में दिक्कत होती है। बीमारी बढ़ने के साथ ही मांसपेशियाँ कमज़ोर और ढीली पड़ने लगती हैं। शरीर के हर अंगों में सेंसेशन होता है लेकिन प्रतिक्रिया नहीं होती।